जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमारी लाइव क्लासेस, ट्रिक वाली क्लासेस और नई नई अपडेट आपको काफ़ी पसंद भी आती होगी। तो देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स के बारे में, अनुवांशिकी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पारिस्थिति के, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था अनुवांशिकी और आशा करता हूँ आपने रिवीजन भी कर लिया होगा और आपको काफ़ी चीज़ें जो आपने बुक से पढ़ा है, देन उसके बाद ये वाला जो वन लाइनर फैक्ट है उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें याद हो चुकी होगी। अब उसके बाद मैं आज पारिस्थितिकी कम से कम 30 से 40 फैक्ट बताऊँगा, उसके बाद आपका ये वाला भी टॉपिक क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी होती क्या है, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? उसके वातावरण के पारिस्थिति का अध्ययन कहलाना, जो अध्ययन करना है वह आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। उसके बाद जो है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ताप बढ़ने पर पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, ठीक है सर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो आपकी वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित होने के कारण ही वायु जो है नम रहती है, ठीक है, नहीं तो सारा का सारा जो है गर्म ही गर्म रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नीले रंग का प्रकाश में कम तथा लाल रंग के प्रकाश में अधिक संश्लेषण होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे ज़्यादा रेड में होगा और आपका ब्लू में सबसे कम होगा। आर्द्रता का संबंध किससे होता है? तो आर्द्रता का संबंध आपका वाष्प उत्सर्जन से होता है। किससे होता है सर? वाष्प उत्सर्जन से होता है। आपका वाष्प उत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वाष्प उत्सर्जन भी बढ़ जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रता, वाष्प उत्सर्जन अगर कम होता है तो आर्द्रता क्या होगी, बढ़ेगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपका जैविक क्रिया के लिए औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। पादप एवं जंतुओं को मिलाकर जैविक घटना बनता है। क्या बनता है? जैविक घटक बनता है। किसको मिलाएंगे? पादप और जंतु को मिलाएंगे। तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य पारिस्थितिकी समुदाय से परस्पर संबंध आपका पारिस्थितिकी इकोसिस्टम कहलाता है। बात करते हैं इकोसिस्टम की, का इसके पहले सबसे पहले इसका जो है इसको खोजा किसने था? टांसले ने 1935 में जो है इसकी खोज की थी। कब की थी? 1935 में इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पारिस्थितिकी अनुसंधान, पारिस्थितिकीय अनुसंधान द्वारा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? बेंगलोर में है। कहाँ है सर? बेंगलोर में है, यह आपको ध्यान रखना है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जल, तापमान, प्रकाश इत्यादि अजैविक घटक है, ठीक है सर। ये आपको ध्यान रखना है कि अकार्बनिक पदार्थ जल, तापमान इत्यादि ये सभी क्या है? आपके अजैविक घटक है। चलिए आगे देखिएगा, रेगिस्तान या आपका स्टेपी में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को एग्ज़ाम में आता है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर दलदली जगहों पर उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? हीलोफाइट्स कहते हैं।
ये भी हमें ध्यान रखना है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से क्या है, रोकती है। पराबैंगनी किरणों से आँखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र का नुकसान हो जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर जब आपका एक्सरे निकाला जाता है तो वो पूरी सेफ्टी के साथ आपका एक्सरे निकाला जाता है, वो सेफ्टी किट पहनते हैं, तो वही है क्योंकि वहाँ से जो है आपका ये किरणें निकलती है। आगे देखिए सर, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, अग्निशामक यंत्र है तथा आपका एरोसेल स्प्रे है में प्रयोग की जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का ह्रास करती है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत का ह्रास वाली गैस, तो अधिकतर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही, और भी अन्य गैसेस रहती है पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान पर लगातार क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड होगा और भी जो है होंगे। सामान्य बातचीत शोर मूल्य आपका 60 डेसिबल और ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, तो ध्वनि को मापने वाली इकाई डेसिबल होती है। कौन सी होती है, डेसिबल होती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से ल्यूकेमिया व हड्डियों का कैंसर होता है, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से, अगर रेडियोधर्मी पदार्थ है तो आपको कौन सा रोग होगा, उनके प्रदूषण के कारण आपका ल्यूकोमिया और आपका हड्डी का कैंसर रोग होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधकता क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपको बता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 जून जो है, 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, वो कब से स्टार्ट हुआ है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक उत्पादकता शाकाहारी होते हैं और यह सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं या पेड़ पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की, तो मांसाहारी होते हैं जो आपका प्राथमिक उत्पादकता पर आश्रित होते हैं। तो जो प्राथमिक है वह पेड़ पौधों को खाते हैं और पेड़ पौधों को आपको पता है जो है द्वितीयक उपभोक्ता खाते, और उसके बाद आता है आपका ट्रिटिकेल, ऐसा पौधा होता है जो कि गेहूं तथा राई के बीच संकरण के प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि आपको शैवाल और कवक के बीच में लाइकेन पाया जाता है, उसी तरीके से आपका ट्रिटिकेल, ठीक है, कौन सा ट्रिटिकेल, ऐसा पौधा होता है जो गेहूं और राई में उनके बीच में पाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से संतान जो खो जाती है तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से उसका पता लगाते हैं। राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, किसका, राइजोबियम का प्रयोग जो है हम लोग जैव उर्वरक के रूप में कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य जो है करता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का केवल 1 से लेकर 5% तक ही जैवमंडल में या जैवमंडल के उपयोग के लिए यूज़ किया जाता है। जिंपिंग जिंक सिद्धांत आपका बार्बर मैकलिन टोंक ने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला प्रौद्योगिकी स्थल एर्नाकुलम में है, कहाँ सर जी आपका, एर्नाकुलम में भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थित है। चलिए 1876 में हेनर ने सर्वप्रथम मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस
का पता लगाया था और आपका पुरकिंजे ने 1839 में सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, ठीक है, वन लाइनर ट्रिक है। तो ये आपको जितना आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद ये फैक्ट आपने आप अपने हाथ से भी निकालते होंगे, बट ये हमने लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीके से एक जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि आप लोग अपना रिवीजन इसके थ्रू कर सके। तो आशा करता हूँ पूरी क्लास आपको समझ आई होगी। आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों के साथ। कल जो है मैं आपके लिए कोई शाम को या फिर कल हो तो कुछ नया टॉपिक लाऊंगा, मतलब दूसरा टॉपिक करवाऊंगा। आपको थोड़ा पढ़ के भी आना है और इसके बाद थोड़ा अपना थ्योरी कंप्लीट करना है और फिर इसे एक बार देखना है। आपका सारा का सारा डाउट, ये सारा जितना भी जो आप भूलते चले जाते हैं, तो अब आप लोग भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। चलेगा, मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्ते।